इमली और वीर एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए थे जानवरों को देखने के लिए। तभी इमली को लगा कि यह नकली वीर है, लेकिन वीर तो घर पर था। दादाजी उसकी बैटरी को चार्ज कर रहे थे क्योंकि उसकी बैटरी डिस हो चुकी थी। वह दादाजी उसकी बैटरी को चार्ज करके उसको बोलते हैं कि तुम इमली के पास जाओ क्योंकि इमली अकेली है, जंगल में गई है। तभी वीर बोलता है क्यों नहीं दादाजी, मैं उसके साथ जाऊँगा और मैं अभी जाता हूँ और आप घर पर अपने ख्याल रखना और टेंशन बिल्कुल भी मत करना, मैं अभी गया और अभी आता हूँ, ऐसा बोलकर वीर चला जाता है। फिर वीर वहाँ पे जंगल में देखता है कि वीर और एक नकली वीर है और वह सब कुछ समझ आता है। फिर चिंटू की मदद से इमली को गायब करवा कर फिर उसको पार्क में ले जाता है। फिर पार्क में उससे बातचीत करता है और पता लगाता है कि ये कौन है, और वो बोलता है मुझे मैड मैक्स ने बनाया है और मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। तभी वह दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं जिसमें वीर जीत जाता है क्योंकि वीर बहुत पावरफुल होता है।